छह रहस्यमय गुफा मंदिर, जानिए उनका रहस्य। आज से 2500 वर्ष पूर्व अखंड भारत में कई विशालकाय और चमत्कारिक वास्तु के अद्भुत मंदिरों का निर्माण हुआ। उनमें से कुछ मंदिर आज भी उसी अवस्था में मौजूद हैं, तो कुछ अब खंडहर बन चुके हैं और अधिकतर का मुगल काल में अस्तित्व मिटा दिया गया। मंदिरों की अद्भुत निर्माण कला को देखकर आश्चर्य होता है। आज के आधुनिक विज्ञान को संभवतः इस तरह के मंदिर को बनाने में काफी मशक्कत करना पड़े। अखंड भारत में एक ओर जहां खगोल शास्त्र अनुसार उचित स्थान देखकर भव्य मंदिरों का निर्माण किया गया, तो दूसरी ओर किसी देवी या देवता से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान पर मंदिरों का निर्माण किया गया। लेकिन इसके अलावा ऐसे मंदिरों का निर्माण भी किया गया जहां मुख्य रूप से सिर्फ ध्यान और तप किया जा सके। ऐसे ही मंदिरों में कुछ गुफा मंदिर हैं जिनके रहस्य के बारे में हम जानेंगे। हमने ऐसे ही 6 गुफा मंदिरों के बारे में पता लगाया है जिनके रहस्य पर अभी भी पर्दा है। लेकिन सबसे पहले हम उन लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमारे चैनल मिस्टीरियस स्टोरीज इन हिंदी को सब्सक्राइब किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नंबर 1, हिंगलाज माता मंदिर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के जिला लसबेला में हिंगोल नदी के किनारे पहाड़ी गुफा में स्थित माता पार्वती का हिंगलाज मंदिर अति प्राचीन है। इसी तरह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के शहर नगरपारकर में माता कालिका का एक और प्राचीन और रहस्यमय गुफा मंदिर है। हिंगलाज माता का यह मंदिर माता पार्वती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर के महत्व का उल्लेख देवी भागवत पुराण सहित अन्य पुराणों में भी मिलता है। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के कई ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। बाद में 1992 में बाबरी ढांचा गिराए जाने के बाद पाकिस्तान में करीब 1000 मंदिर ध्वस्त किए गए। आज भी अल्पसंख्यक हिंदू आबादी मंदिरों पर हमलों से परेशान और दुखी हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इस पर चुप्पी साधे रखती है। नंबर 2, गोवा गजह गुफा, बाली, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के द्वीप बाली द्वीप पर हिंदुओं के कई प्राचीन मंदिर हैं, जहां एक गुफा मंदिर भी है। इस गुफा मंदिर को गोवा गजह गुफा और एलिफेंटा की गुफा कहा जाता है। 19 अक्टूबर 1995 को इसे विश्व धरोहरों में शामिल किया गया। यह गुफा भगवान शंकर को समर्पित है। यहां 3 शिवलिंग बने हैं। देश विदेश से पर्यटक इसे देखने आते हैं। नंबर 3, वराह गुफाएं। तमिलनाडु में चेन्नई के कोरोमंडल के पास महाबलीपुरम में स्थित है वराह गुफा। वराह गुफा में भगवान विष्णु का मंदिर है। चट्टानों को काटकर की गई कलाकारी इतनी सुंदर है कि इसे यूनेस्को की विश्व विरासत का हिस्सा बनाया गया है। वराह गुफा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस गुफा के अलावा सित्तनवसल और नार्थमलाई गुफा भी काफी फेमस है। नंबर 4, एलिफेंटा की गुफा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो एलिफेंटा नाम से विश्वविख्यात है। यहाँ पहाड़ को काटकर बनाई गई इन सुंदर और रहस्यमय गुफाओं को किसने बनाया होगा? माना जाता है कि इसे 7वीं व 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा खोजा गया था का मतलब यह कि यह उन्होंने बनाया नहीं था। कई हजार वर्षों पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। एलिफेंटा को घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्य की द्वीप राजधानी थी। इसका ऐतिहासिक नाम घारापुरी है। यह नाम मूल नाम अग्रहारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया है। यहाँ हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जो शंकर जी के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यह पाषाण शिल्पित मंदिर समूह लगभग 6000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है। गुफा के मुख्य हिस्से में पोर्टिको के अलावा 3 ओर से खुले सिरे हैं और इसके पिछली ओर 27 मीटर का चौकोर स्थान है और इसे 6 खंभों की कतार से सहारा दिया जाता है। द्वारपाल की विशाल मूर्तियां अत्यंत प्रभावशाली हैं। इस गुफा में शिल्पकला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने, अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां दिखाई गई हैं। इस गुफा संकुल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। महाकाली और कन्हेरी की गुफाएं। मुंबई में कई गुफाएं हैं। उनमें से एलिफेंटा, महाकाली, कन्हेरी और जोगेश्वरी की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। महाकाली की गुफा मुंबई के अंधेरी वेस्ट में बौद्ध मठ के पास है, जबकि कन्हेरी की गुफा मुंबई के पश्चिम में बसे बोरीवली क्षेत्र में स्थित है।
इसके अलावा पुणे में पातालेश्वर या पांचालेश्वर गुफा मंदिर और लेन्याद्री की बौद्ध गुफाएं देखने लायक हैं। नंबर 5, अजंता एलोरा की गुफाएं। यह स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें अजंता में 29 बौद्ध गुफाएं और कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं। ये गुफाएं अपनी चित्रकारी, गुफाएं और अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं कई हजार वर्ष पुरानी हैं, लेकिन बौद्ध गुफाएं होने के कारण इनको 2 सदी ईसा पूर्व से 7 शताब्दी ईसा तक का माना जाता रहा है, लेकिन अब नए शोध ने यह धारणा बदल दी है। एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इसमें पत्थर को काटकर बनाई गई 34 गुफाएं हैं और एक रहस्यमय प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कोई मानव नहीं बना सकता और इसे आज की आधुनिक तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। इस विशालकाय अद्भुत मंदिर को देखने सभी आते हैं। इसका नाम कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की भी बात नहीं है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता चला कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं है। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। औरंगाबाद में पीतल खोरा की गुफाएं भी प्रसिद्ध हैं। नंबर 6, अमरनाथ गुफा। जम्मू और कश्मीर में तो अमरनाथ और वैष्णो देवी की गुफा में हिंदू जन दर्शन के लिए जाते ही हैं, लेकिन कश्मीर में ऐसी 4 गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनका दूसरा सिरा 4000 किलोमीटर दूर रूस तक जाता है। इतना ही नहीं, इन गुफाओं के बारे में और भी ऐसे रहस्य हैं जिनकी सच्चाई सदियों बाद भी सामने नहीं आई। पीर पंजाल की गुफा। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में एक गुफा है जहाँ एक शिवलिंग रखा है। इसका नाम पीर पंजाल केव रखा गया है। शिव खाड़ी। जम्मू में ही शिव खाड़ी नामक एक गुफा है। तो आप अब तक कौन सी गुफाओं में गए हैं कमेंट्स में जरूर लिखें और प्लीज इस चैनल मिस्टीरियस स्टोरीज इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।